निखते कैफ बार कहते हैं, रहमती किरदगार कहते हैं, आपके गेसुओं का साया है, लोग जिसको बाहर कहते हैं। अदाए फसले बहार क्या है, 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 और गुलों का हुस्नो शबाब क्या है, अदाए फसले बहार क्या है, गुलों का हुस्नो शबाब क्या है, अदाए फसले बहार क्या है, अदाए फसले बहार क्या है। अदाए फसले बहार क्या है, अदाए फसले बहार क्या है, गुलों का हुस्नो शबाब क्या है, गुलों का हुस्नो शबाब क्या है, गुलों का हुस्नो शबाब क्या है, अदाए फसले बहार क्या है, और गुलों का हुस्नो शबाब क्या है, सिवाय अक्से रुखे मोहम्मद, सिवाय अक्से रुखे मोहम्मद, सिवाय हक से रुखे मोहम्मद, ये माता बाप ताब क्या है, सिवाय हक से रुखे मोहम्मद, ये माता बाप ताब क्या है, सिवाय हक से रुखे मोहम्मद, ये माता बाप ताब क्या है, सिवाय हक से रुखे मोहम्मद। नजर से सजदे लुटा रहा हूँ, नजर से सजदे लुटा रहा हूँ, ख्याल में तुर्बत नबी पर, ख्याल में तुर्बत नबी पर, ख्याल में तुर्बत नबी पर, नजर से सजदे लुटा रहा हूँ और ख्याल में तुर्बत नबी पर, मुझे कुछ इससे नहीं है मतलब, मुझे कुछ इससे नहीं है मतलब, मुझे कुछ इससे नहीं है मतलब, सवाब क्या है अजाब क्या है, मुझे कुछ इससे नहीं है मतलब, सवाब क्या है अजाब क्या है, मुझे कुछ इससे नहीं है मतलब, सवाब क्या है अजाब क्या है, बोरिया नशी को बनाए एक बोरिया नशी को, खुदा ने दोनों जहां का मालिक, खुदा ने दोनों जहां का मालिक, खुदा ने दोनों जहां का मालिक, बनाए एक बोरिया नशी को और खुदा ने दोनों जहां का मालिक, फिरद को आने लगा है चक्कर, फिरद को आने लगा है चक्कर, फिरद को आने लगा है चक्कर, खुदा का ये इंतखाब क्या है, फिरद को आने लगा है चक्कर, खुदा का ये इंतखाब, बहुत सी आँखों ने इसको देखा, बहुत सी आँखों ने इसको देखा,
देखा और जिधर से गुजरे रसूल अकरम महक उठे रास्ते के कांटे, महक उठे रास्ते के कांटे। ये मोतिया ये गुलाब क्या है, महक उठे रास्ते के कांटे, ये मोतिया ये गुलाब क्या है, महक उठे रास्ते के कांटे, ये मोतिया ये गुलाब क्या है, महक उठे रास्ते के कांटे। किसे एवाइज़ डरा रहा है, किसे एवाइज़ अजाब रोज़े हिसाब से तू, अजाब रोज़े हिसाब से तू, अजाब रोज़े हिसाब से तू डरा रहा है किसे एवाइज़, अरे अजाब रोज़े हिसाब से तू के हम गुलामान मुस्तफा को, के हम गुलामान मुस्तफा को, के हम गुलामान मुस्तफा को खबर है रोजे हिसाब क्या है, के हम गुलामान मुस्तफा को खबर है रोजे हिसाब क्या है, के हम गुलामान मुस्तफा को खबर है रोजे हिसाब क्या है, के हम गुलामान मुस्तफा को। करीब अरशे बरी जो पहुँचे, करीब अरशे बरी जो पहुँचे रसूल अकरम सदाए आई, रसूल अकरम सदाए आई, रसूल अकरम सदाए आई, करीब अरशे बरी जो पहुँचे रसूल अकरम सदाए आई, के नूर तुम भी हो नूर हम भी, के नूर तुम भी हो नूर हम भी, के नूर तुम भी हो नूर हम भी चले भी आओ हिजाब क्या है, के नूर तुम भी हो नूर हम भी चले भी आओ हिजाब क्या है, के नूर तुम भी हो नूर हम भी चले भी आओ हिजाब क्या है, के नूर तुम भी हो नूर हम भी। मुखालिफ कहते हैं कैसे नबी अब लाख पर पहुँचे, फलक पर कौन से दर थे जो अरशे पाक पर पहुँचे, मुखालिफ की अजब ढंग सी गुफ्तार होती है, वो क्या जाने के नूरे हक की क्या रफ्तार होती है, ये कह दो नूर के हायल नहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे जब पड़ती है फौरन पार होती है, ए अर्श के नजदीक पहुंचे जब सहे हर दो सरा, और ये चाहा के करें नालन पाँव से जुदा, यक बयक वहदत के पर्दे से आई ये निदा, क्यों रुके आओ मैं नालन अहमद मुस्तफा, क्यों रुके आओ मैं नालन अहमद मुस्तफा, हे अर्श है बेचैन इसमें चैन है बेचैन का, अर्श बोसा मांगता है आपके नालन का, तो ये कहा हजरत ने हक से ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस लुत्फो करम पर मेरी जानो दिल निसार, हुक्म मूसा को दिया था पाप रहना दूर पर, मुझसे ये के मैं नालन आओ अर्श पर, ये निदा आई जरा इस बात पर भी गौर हो, तुम कहाँ मूसा कहाँ वो और थे तुम और हो, या मोहम्मद तुम हमारे नूर हो, और बात करके भूलते हो खुद चला।
सऊदयालम चलो ये माना सऊदयालम के मुस्तफा गए बुदा नहीं है के मुस्तफा गए बुदा नहीं है के मुस्तफा गए बुदा नहीं है। जो हजरात कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुस्तफा को गैब का इल्म ना था, लिहाजा उन लोगों के लिए मैं ये मक्ता पेश कर रहा हूँ कि चलो ये माना सऊद आलम चलो ये माना सऊद आलम के मुस्तफा गैब का नहीं है मुस्तफा गैब दा नहीं है मगर ये कोई बताए हमको मगर ये कोई बताए हमको मगर ये कोई बताए हमको कि आखिर उम्मुल किताब क्या है मगर ये कोई बताए हमको कि आखिर उम्मुल किताब क्या है मगर ये कोई बताए हमको कि आखिर उम्मुल किताब क्या है बताए हमको के आखिर उम्मुल किताब क्या है मगर ये कोई बताए हमको। कोई कहता है कि ये ख्वाहिश यगाना है मेरा, कोई कहता है कि कारून का खजाना है मेरा, कोई कहता है कि ये सारा जमाना है मेरा, ये किसी ने ना कहा कब्र ठिकाना है मेरा। हिल जाएंगे तख्त सलाती आएगा तूफान हिल जाएंगे तख्त सलाती आएगा तूफान दो दिन की दौलत पे अकड़ना छोड़ दे ना दान ये सपना टूट जाएगा ये सपना टूट जाएगा ये सपना समझ कर तू अकड़ता क्या है होगा मगरूर तो मिट जाएगा समझा क्या है दम निकल जाएगा जिस वक्त तेरा जरवाले तुझको मिट्टी में दबा देंगे तेरे घर वाले सिर्फ दो गज का कफन तुझको दिया जाएगा ताज और तख्त यहीं छीन लिया जाएगा तेरी दौलत के लुटेरे तेरे अपने होंगे देखता है जो यहाँ झूठे वो सपने होंगे खुद बर्बाद हुआ जिनको बनाने के लिए आएंगे वो तुझे मिट्टी में मिलाने के लिए हम सफर होगा ना तेरा कोई हमदम होगा जो भी होगा वो तेरी जात से बरहम होगा सबके दामन से बगावत की हवा आएगी गुस्ल के बाद फकत एक सदा आएगी जल्द इस घर से निकल दुनिया से जाने वाले तुझको अब बोझ समझते हैं जमाने वाले क्योंकि घर वाले अब भूल चुके हैं तेरे सब एहसान घर वाले अब भूल चुके हैं तेरे सब एहसान मुल्क अदम को जाने वाले ऐ राही अनजान ये सपना टूट जाएगा ये सपना टूट जाएगा ये सपना टूट जाएगा सपना टूट जाएगा।
होगी, तेरी हर चीज पे औरों की हुकूमत होगी। आके दरवाजे से जब मौत पुकारेगी तुझे, जिंदगी खुद तेरे बिस्तर से उतारेगी तुझे। लोग तुझको तेरी पोशाक न गहने देंगे, हाथ में एक अंगूठी भी न रहने देंगे। कब तेरा हक ए मुसाफिर तेरी जागीर में है, एक मिट्टी का घरौंदा तेरी तकदीर में है। तुझको रहना है चमन में न परी खाने में, घर तेरा होगा सुलगते हुए वीराने में। चंद बरसों में निशा कब्र का मिट जाएगा, नाम तक तेरा जबां पर न कोई लाएगा। तेरी दौलत से जो इंसान मजा करता है, बस वही तो तेरे मरने की दुआ करता है। रुख से लालच की नकाबों को उठा ले, वरना कुछ ना कुछ नेकियां दुनिया में कमा ले। वरना अपनी खोटी करनी पर पछताएगा इंसान, अपनी खोटी करनी पर पछताएगा इंसान। खोल के आंखें देखेगा जब मैं सर का मैदान, ये सपना टूट जाएगा, 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 ये सपना ये वो दुनिया है के कारून सिकंदर न रहा। छोड़ दे मसनवी दौलत का सहारा लेना, नाम तख्त हुकूमत का दोबारा लेना। ऐ बशर भूल ना एक खाक का पुतला है तू, जो पिघल जाएगा उस मौम का टुकड़ा है तू। जिंदगी ख्वाब है, दुनिया है सराए फानी, यानी दुनिया की हर एक चीज है आनी जानी। संग मरमर की इमारत पे भरोसा मत कर, शीश महलों में सुकूनत का इरादा मत कर। खुद पे मगरूर है क्यों, इसकी जरूरत क्या है। खाक का ढेर है, इंसान की कीमत क्या है। बुलबुला पानी का है, नाज न कर सर न उठा। तू है शीशे का बदन, हाथ में पत्थर न उठा। कल चला जाएगा दुनिया से उठा कर बिस्तर, बर के ये आज के इंसान से कह दे अफसर। दुनिया पर मत इतरा बंदे, दुनिया है शमशान, दुनिया पर मत इतरा बंदे, दुनिया है शमशान। अरे हिंदू की गीता कहती है मुस्लिम का कुरान, ये सपना टूट जाएगा, 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 ये सपना मेरी सी हालत हो जाए
تو معلوم شبے غم کی حقیقت ہو جائے، بے جرم و خطا مجھ کو مٹانے والے، اللہ کرے تجھ کو محبت ہو جائے، کیونکہ ابھی جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے اور تمام رات تجھے یاد کر کے رویا ہے، اور دعائیں دے کے شب غم میں جاگنے کی مجھے بڑے سکون سے میرا نصیب سویا ہے، تو تیری محبت، تیری عنایت، تیری محبت، تیری عنایت کا جھوٹا الزام نہ لیں گے، تیری محبت، تیری عنایت کا جھوٹا الزام نہ لیں گے، تیری محبت، تیری عنایت کا جھوٹا الزام نہ لیں گے، تیری محبت، تیری جھوٹا الزام نہ لیں گے، جا ہر جائی آج سے تیرا، جا ہر جائی آج سے تیرا، ارے ہم بھولے سے نام نہ لیں گے، جا ہر جائی احمد فیض کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری آنکھوں سے ہے عالم میں، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سواد، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو جا ہر جائی آج سے تیرا، جا ہر جائی آج سے تیرا، ہم بھولے سے نام نہ لیں گے، جا ہر جائی آج سے تیرا، صبح بنارس شام اودھ کے، صبح بنارس شام اودھ کے،
नजर देखे भाले आगे हम तेरी तस्वीर के आगे। अरे ताजमहल का नाम न लेंगे हम तेरी तस्वीर के आगे, ताजमहल का नाम न लेंगे हम तेरी तस्वीर के आगे। सुबह बनारस शाम अवध के मंजर देखे भाले हैं हम तेरी तस्वीर के आगे। अरे ताजमहल का नाम न लेंगे हम तेरी तस्वीर के आगे। मिन्नत करना जर्फ से गिरना अपने बस की बात नहीं, मिन्नत करना जर्फ से गिरना अपने बस के बात नहीं, अपने बस की बात नहीं। शकील मरहूम फरमाते हैं, ख्याले तर के तमन्ना से डर गया होता, अगर शराब ना पीता तो मर गया होता। अजल ही से मेरी फितरत कलम पे हावी है, अरे मैं मांगता तो ये दामन भी भर गया होता। लेकिन अरे मिन्नत करना सर से गिरना अपने बस की बात नहीं, तौबा तो कर लेंगे लेकिन, तौबा तो कर लेंगे लेकिन। अरे साकी तुझसे जामू न लेंगे, तौबा तो कर लेंगे लेकिन, साकी तुझसे बहाराने से पहले, फसल बहाराने से पहले अब ये हमने सोचा है, आग लगा देंगे गुलशन में, आग लगा देंगे गुलशन में। अरे सब तुझसे कामिल कामू न लेंगे, आग लगा देंगे गुलशन में, सत से कामिल कामू न लेंगे, आग लगा देंगे गुलशन में, सत से कामिल कामू न लेंगे, आग लगा देंगे गुलशन में। अरे जा हर जाई आज से तेरा हम भूले से नाम न लेंगे, जा हर जाई कोई क्या समझे मोहम्मद मुस्तफा की अजमतें, और जिसने की ताजीम वो अदना से आला हो गया। साथ साथ अल्लाह के
का देने पढ़ लिया, कलमा तो काबा हो गया। हजरत आपकी खिदमत में मैं रात और दिन की दुआ पेश कर रहा हूं। एक रात में ये रात ने माबूद से कहा, मैं कितनी बदनसीब हूँ ऐ मेरे किबरिया, तारीकियों में रहता है चेहरा मेरा छुपा, सदके तेरे हबीब के सुन ले मेरी दुआ, के दुनिया में भेज रात में मेरे हुजूर को, दुनिया में भेज रात में मेरे हुजूर को, दुनिया में भेज दामन में ताके रख लूं मोहम्मद के नूर को, दामन में ताके रख लूं मोहम्मद के नूर को, दामन में ताके रख लूं मोहम्मद के नूर को, दामन में ताके रख लूं मोहम्मद के नूर को। रात में मेरे हुजूर को, दामन में ताके रख लूं मोहम्मद के नूर को, तो दिन सुन रहा था पर्दे से ये रात का सवाल, बोला अदब के साथ के ऐ रब्बे जुल जलाल, दामन तो रात का है सितारों से मालामाल, लेकिन मैं बदनसीब हूँ मेरा रहे ख्याल, क्यों हरदम मैं जलता रहता हूँ सूरज की धूप में, हरदम मैं जलता रहता हूँ सूरज की धूप में, हरदम मैं जलता रहता हूँ सूरज की धूप में, रहमत को दिन में भेज मोहम्मद के रूप में, रहमत को दिन में भेज रहता हूं सूरज की धूप में, रहमत को दिन में भेज मोहम्मद के रूप में, तो बोली ये रात रोज़े अजल से हूं मैं तबाह,
खुद देख मुझको, तू तो है सबसे बड़ा गवाह। होते हैं मेरे पर्दे में हर तरह के गुनाह, पाऊंगी रोज़े हश्र में कैसे भला पना। होगी अगर सब में विलादत रसूल की, होगी अगर सब में विलादत रसूल की, होगी अगर सब में विलादत रसूल की, राहत मिलेगी देख के सूरत रसूल की, राहत मिलेगी देख के सूरत रसूल की, राहत मिलेगी देख के सूरत रसूल, राहत मिले बोला ये दिन, बोला ये दिन के मेरे खुदा बाखबर है तू। शाम सहर बहाता है सूरज मेरा लहू, अब तक हुआ न चाके गरीबा मेरा रफू। दीदार मुस्तफा की अजल से है आरजू, दामन नबी का मुझसे अगर छूट जाएगा, दामन नबी का मुझसे अगर छूट जाएगा, दामन नबी का मुझसे अगर छूट जाएगा, तू जानता है दिल ये मेरा टूट 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 जाएगा। बोलिए रात दिन में तो रहता है शोर शर, हैरान अपने काम में रहता है हर बशर। अपनी ही उलझनों से किसी को नहीं मफर, तशरीफ लाए प्यारे नबी रात में अगर। हर्षु सुकून होगा तेरी कायनात में, हर्षु सुकून होगा तेरी कायनात में, हर्षु सुकून होगा तेरी कायनात में, इस वास्ते तू भेज मोहम्मद को रात में, इस वास्ते तू भेज मोहम्मद को रात में, इस वास्ते तू भेज बोला ये दिन के सब में होती हुनूदगी, हर शय पे छाई होती है गोना बेहिसी, रहता है महवे ख्वाब हर एक गुल हर एक कली, बेहतर नहीं है ऐसे में आमद रसूल की। तो दिन ठीक है नबी की विलादत के वास्ते, दिन ठीक है नबी की विलादत के वास्ते, ठीक है नबी की विलादत के वास्ते, क्योंकि हर जर्रा जागता है इबादत के वास्ते, हर जर्रा जागता है इबादत के वास्ते, हर जर्रा जागता है इबादत के वास्ते, जर्रा जागता है इबादत के वास्ते। सुन लिया दोनों की बात को, अल्लाह ने जो सुन लिया दोनों की बात को,
दोनों है प्यार करते मोहम्मद की जात को, दोनों का दिल ही रखना था रब्बे हयात को, सैफी मुतमईन किया दिन और रात को, दिन था न रात जब के नबी जलवागर हुए, रसूल पैदा बवक्त सहर हुए, यानी रसूल पैदा बवक्त सहर हुए, यानी रसूल पैदा बवक्त सहर हुए, यानी रसूल पैदा बवक्त सहर हुए। हमारे शहर में रखे बहुत मशहूर शायर नूर तकी नूर की दोस्ती याद आ गई और उसके साथ एक कथा याद आ गया कि एक लड़की उदास बैठी है अपनी इज्जत लुटा के कोठी में, और मुझको ये हो रहा है एहसास कि कितनी ताकत है एक रोटी में। और दो शेर मुलाजा फरमाइएगा मुतफर्रिक कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और एक शायर कहते हैं नश्तर जबलपुरी कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, और बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, तो ये अगर गरीबों की, ये अगर गरीबों की बस्तियां नहीं होती, बस्तियां नहीं होती, बस्तियां गरीबों की बस्तियां नहीं होती, बस्तियां नहीं होती, बस्तियां नहीं अगर गरीबों की बस्तियां नहीं होती, ये अगर गरीबों की बस्तियां नहीं होती, ये अगर गरीबों की बस्तियां नहीं होती तो गर्म कारखानों की, गर्म कारखानों की चिमनियां नहीं होती, चिमनियां नहीं होती, चिमनियां नहीं होती, गर्म कारखानों की चिमनियां नहीं होती, चिमनियां नहीं। जलती दोपहर में भी काम करना पड़ता है, जलती दोपहर में भी काम करना पड़ता है, जलती दोपहर में भी काम करना पड़ता है, क्यों
गर्मियां तो आती हैं, गर्मियां तो आती हैं, छुट्टियां नहीं होती, छुट्टियां नहीं होती, छुट्टियां नहीं होती, छुट्टियां नहीं होती, छुट्टियां तो आती हैं, छुट्टियां नहीं होती, छुट्टियां नहीं हटाता जो राह से तेरी कांटे, मैं नहीं हटाता जो राह से तेरे कांटे, मैं नहीं हटाता जो राह से तेरी कांटे, तो जख्मी मेरे हाथों की, जख्मी मेरे हाथों की, उंगलियां नहीं होती, उंगलियां नहीं और इस जमाने में, जिक्र मरियम सीता और इस जमाने में, देखो औरतें सभी यारों, औरतें सभी यारो देवियां नहीं होती, देवियां नहीं होती, देवियां देवियां नहीं होती, औरतें सभी यारो देवियां नहीं होती, देवियां नहीं, हाँ देवियां नहीं होती। ये शेर मुझे पसंद है, इसलिए इस गजल में इस शेर को पढ़ रहा हूं। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि बेटियां गरीबों की बदनसीब होती हैं, नसीब होती है कि उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती, शादियां नहीं होती, शादी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है, घर में बहनें जवान बैठी हैं,
भाई चुप है के कह नहीं सकता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दे, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे, ये भी दुल्हन है घर से जाती है, मौत मुफलिस को क्या सुहाती है, ये सुहागन है इसको कंधा दो, हमने खूने जिगर से पाला है, इसकी तुर्बत पे ये भी लिख देना, जर परस्तों ने मार डाला है, ऐसे कितने ही माह पारे हैं, जर गुजीदा है जर के मारे हैं, क्यों जलता है बाग मुफलिस का, किसने देखा है दाग मुफलिस का, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चरब बाग मुफलिस का, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का, अरे बेटिया गरीबों की बदनसीब होती है कि उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती, इनकलाब आता है जब देर में इनकलाब आता है, जब देर में तभी इनकलाब आता है, जब नसीब भूखों को, जब नसीब भूखों को रोटियां नहीं होती, रोटियां नहीं होती, रोटियां रोटियां नहीं होती, जब नसीब रो भूखों को, जब नसीब भूखों को रोटियां नहीं होती, शहूद आलम आफाकी का ये मतला उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो रसूल पाक की ताज़ीम नहीं करते और गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कि समझ ले इससे ऐ दुनिया के उनका मर्तबा क्या है, समझ ले दुनिया के उनका मर्तबा क्या है, समझ ले इससे ऐ दुनिया के समझ ले इस दुनिया के उनका मर्तबा क्या है, क्योंकि रसूल पाक की ताजीम में कुरान उतरा है, 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 बगैर मुस्तफा वहदानियत को क्या कोई समझे, बगैर मुस्तफा वहदानियत को क्या कोई समझे, मियां जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा खुदा क्या है, जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा खुदा क्या है, जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा समझेगा खुदा क्या है। मुझे हैरत नहीं लोगों के जहनों की तबाही पर,
मुझे हैरत नहीं लोगों के जहनों की तबाही पर, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था दौर ऐसा आने वाला है। मोहम्मद ने कहा था दौर ऐसा आने वाला है। मोहम्मद ने कहा था दौर ऐसा आने वाला है। मोहम्मद ने कहा था दौर ऐसा आने वाला है। मोहम्मद ने कहा था दौर ऐसा आने वाला है। ऐसा आने वाला है। मोहम्मद ने कहा दौर ऐसा आने वाला है। मुझे हैरत नहीं लोगों के जहनों की तबाही पर, तबाही पर, तबाही पर। मुझे हैरत नहीं लोगों के जहनों की तबाही पर, मोहम्मद ने कहा था दौर ऐसा आने वाला है। मोहम्मद ने कहा था नमाजें तो खुदा के वास्ते मखसूस हैं, लेकिन भाई नमाजें तो खुदा के वास्ते मखसूस हैं, लेकिन अरे नमाजों में जो जिक्र मुस्तफा आता है ये क्या है। नमाजों में जो जिक्र मुस्तफा आता है ये क्या है। नमाजों में जो जिक्र मुस्तफा आता है तो क्या है। जो जिक्र मुस्तफा आता है ये क्या है। नमाजों में जो जिक्र मुस्तफा आता है क्या है। नमाजें तो खुदा के वास्ते मखसूस हैं, लेकिन नमाजों में जो जिक्र मुस्तफा आता है ये क्या है। नमाजों में जो जिक्र मुस्तफा आता है ये क्या है। जो जिक्र मुस्तफा आता है ये क्या है। नमाजों में जो जिक्र मुस्तफा आता है ये क्या है। रसूले पाक की ताजीम में कुरान उतरा है। रसूले पाक की ताजीम में कुरान उतरा है। रसूले पाक की ताजीम में कुरान उतरा है। जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा खुदा क्या है। जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा खुदा क्या है। जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा खुदा क्या है। जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा खुदा क्या है। जो समझेगा मोहम्मद को वो समझेगा खुदा क्या है।